आज का दिन है जीवंतिका माता का है, फ्राइडे है और जल्दी से उठ के मैंने पूरा घर का काम कर लिया है। आप देख रहे हो जीवंतिका माता की पूजा करने के लिए भी मैंने स्थापन कर लिया है और अभी पूजा करूँगी। साथ में कृष्णा है और हीर भी है, उसके पापा जॉब पर चले गए हैं और मेरी पूजा करने में मुझे ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए अभी बच्चों को भी बोला मैंने नाश्ता करने को, पर बच्चे मना कर रहे हैं कि हम साथ में नाश्ता करेंगे। तो अभी मैंने जो है जीवंती माता की वार्ता है वो पढ़ रही हूँ और वो पढ़ने के बाद मैं उसकी आरती करूँगी। पर आरती के लिए मैंने कोई थाल तैयार नहीं की है, बस वैसे ही मैं आरती करूँगी। तो इस तरह से आज का ब्लॉग है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे आप देखिएगा क्या क्या होता है। इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो वॉशिंग मशीन चल रही है, लास्ट स्टेज पे है इसलिए उसका आवाज़ आ रहा है। तो अभी मैं ये जो बना रही हूँ और उसके बाद मैं मेरा पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं पूरे दिन क्या करने वाली हूँ और मेरा लुक आज कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइएगा। मैंने हार्ट शेप की रिंग पहनी हुई है, आप देख रहे हो, और वो पूरी वाइट है। और जीवंतिका माता के व्रत में कैसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए उसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, उसकी लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो आप चेक जरूर से करिएगा। तो चलो आज का ब्लॉग है वो शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि पिछले साल का भी मेरा ब्लॉग है वो भी आप जरूर से देखिएगा, उसमें मैंने इसी तरह से बनाया था। और लास्ट टाइम तो क्या था कि मैंने बनाना सेक लिया था, इस बार पता नहीं बनाना अवेलेबल नहीं है तो शायद मैं बनाना सेक नहीं लूँगी, कुछ और बनाऊँगी, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो बिना स्किप किए हुए ज़रूर से पूरा ब्लॉग देखना और मेरे साथ कमेंट में भी शेयर करना कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। हर बार क्या है कि ये येलो कलर का जो कप है वो मैं यूज़ करती थी, पर आज भी नहीं लेने वाली, ये हीर का है और मैं आज इसमें चाय पीने वाली हूँ। और कृष्णा का दूध भी रेडी है, उसे चॉकोस देने हैं। और हीर के लिए कुछ और नाश्ता है, और आपको पता है जैसे कि हर फ्राइडे को मैं चना बनाती हूँ, तो चने भी है बॉईल किए हुए। और बाकी नाश्ते में आज कुछ अलग है, तो ये पूरी है, तो पूरी देने वाली हूँ। आपने जो अगर नाश्ता नहीं किया हुआ तो आप भी आ जाइए, हम नाश्ता कर लेते हैं। बच्चे आ गए हैं, आपको पता है कि मैं ट्यूशन करवाती हूँ, तो अभी कोविड की वजह से मेरे 3 बैच चालू है। सब आधे आधे बच्चे को बुलाती हूँ, सब इकट्ठे नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे बच्चे हैं, इसमें से ये बच्ची जो आप देख रहे हो बहुत शरारती है, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा शरारती है।
ट्यूशन फिनिश होने के बाद ये मेरी फर्स्ट बैच थी वो फिनिश हो गया। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ है उनके लिए भुट्टे की सब्जी बनाई है, क्योंकि उनको छोले भटूरे पसंद नहीं है। बच्चों के लिए छोले भटूरे बनाए हैं, पर वो लोग आज पूड़ी के लिए मना कर रहे थे, तो उन्हें बस सादी रोटी बना के ही देने वाली हूँ। तो पहले तो मेरे फादर इन लॉ है उनके लिए मैंने खाना तैयार कर दिया है, जो हीर उनको दे के आएगी तब तक मैं हीर और कृष्णा के लिए रेडी कर दूंगी। और आज मेरे लिए साबूदाना की खीर बनने वाली है, तो वो भी हीर बनाएगी, क्योंकि मेरा तो ट्यूशन चालू हो जाएगा, तो वो लोग पहले खाना खा लेंगे और फिर मेरे लिए ऐसे खीर रेडी कर देंगी, तब जाके मैं खाना खाऊंगी। और ये बर्तन बाकी है वो भी मैं 2:30 बजे के आसपास करूंगी, क्योंकि 2:30 बजे मेरा ट्यूशन पूरा होगा, तब 2 बजे के बाद ही मैं ये सब काम कर पाऊंगी। बच्चों के लिए भी ये रोटी रेडी हो गई है, और उनको तली हुई रोटी भी नहीं खानी, उनको घी लगा के ही दे रही हूँ आज। देख रहे हो कि अभी कितने बजने आए, लगभग 12:30 1:30 बजने आया है, 1:30 बजे का ही टाइम है। तब तक मेरे जो दिया बाती है दिया चालू है अभी तक, और पता नहीं मंदिर में मुझे जब दिया किया हो फूल वगैरह लगाया हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे लगता है कि मैं मंदिर के सामने ही बैठ के बस भगवान की पूजा अर्चना करती रहूं, पता नहीं क्यों मन में से ही ऐसा हो जाता है मुझे। और जब भी मैं किचन में पानी पीने या ऐसे आती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मंदिर को देखा ही करूँ बस ऐसा फील होता है। आप देख रहे हो कृष्णा भी आज बहुत खुश है, क्योंकि कृष्णा को डांस करने मिल रहा है और एंजॉय भी वो कर रही है मेरे साथ। उसको बस ऐसा ही लग रहा है कि मम्मी का व्रत है तो वो मेरे लिए किया है, तो वो इस तरह से भी बहुत ही खुश है, और वो मेरे पीछे पीछे घूम के डांस कर रही है। और हीर ने खीर भी बना ली है और खीर रेडी हो गई है, पर गर्म है तो अभी बच्चे भी आ गए हैं तो अभी थोड़ी ठंडी होगी। उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता मेरा कर लूँगी और बर्तन बर्तन सब जो एक्स्ट्रा काम है वो साफ़ कर लूँगी। अभी क्या है, दोपहर को मेरे 2 ही स्टूडेंट्स आते हैं जो पर्सनल वाले हैं, तो वो दोनों बच्चों को मैं ट्यूशन करवा लूँगी। उसके बाद में मेरा खाने का होता है टाइम तो टाइम वही हो जैसे कि 2:30 बजे के आसपास मेरे खाने का होता है, 2:15 बजे तो बच्चे को घर पेरेंट्स लेने आ जाते हैं। फ्रेंड्स अभी मेरा ट्यूशन फिनिश हो गया है शाम का वक्त का, जो 6 बजे बच्चे चले जाते हैं, फिर खाना वाना बना लिया और प्रसाद भी बना लिया, उसके बाद नहा धो लिया और नहाने के बाद पूजा करनी है। तो अभी शाम का वीडियो में व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर को और शूट करना था, पर क्या है कि फ़ोन एक ही है और बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी होती है तो उनकी PDF भी कंप्लीट करवानी होती है, तो थोड़ा वक्त उसमें निकल गया था। अभी मैंने सोजी की प्रसाद बनाई है जो हम माता को भोग धराएंगे, तो सोजी की प्रसाद ले लेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे, तो वही आज है। फिर प्रसाद सबको देनी है तो ज़्यादा प्रसाद निकाल रही हूँ, और आज बस यही खा के मुझे फलाहार करना है, यानी ये मेरा यही आज का खाने का भी बोल सकते हैं। आप देख रहे हो सुबह से मेरा जो दिया है वो चालू ही है और इतनी ही डिबेट बनाई हुई है, जो बाती है इतनी ही बनाई है,
हम गुजराती में दिवेट बोलते हैं, तो दिवेट बोल दिया मैंने। तो बाती अब तक चालू है मेरी और पूजा अर्चना हो रही है। पूजा होने के बाद कृष्णा और हीर सबको प्रसाद दे के आई और सबका खाना मैंने बाहर निकाल दिया है। अब हम खाने के लिए सब बैठेंगे, तो मैं भी अब उनके साथ बैठूंगी, क्योंकि मुझे बस आज बस यही सूजी का जो उपमा बनाया वही खाना है, मुझे मीठा बनाया है वो। और हाँ, मेरा ये ड्रेस लुक आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। ज़्यादातर मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों की क्लास की वजह से ही। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो जीवंतिका व्रत का मेरा पूरा दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर किया, कैसा लगा ज़रूर से मुझे बताना कमेंट में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।